क्या गई कोरोना की चौथी लहर। कोरोना फिर लौट के आया। नोएडा गाजियाबाद में कोरोना से हाहाकार, बच्चों को संक्रमित कर रहा कोरोना। अगर आपके घर बच्चे हैं, आस पड़ोस में, परिवार में, तो ये खबर आप जरूर देखिएगा, क्योंकि कोरोना एक बार फिर डरा रहा है। लोग धीरे धीरे कोरोना को भूल रहे थे, लेकिन ये कोरोना है कि जाता ही नहीं। जहाँ एक तरफ कोरोना के नए वेरिएंट XE से पूरा देश परेशान है, तो वहीं नोएडा और गाजियाबाद में अभिभावक परेशान हो चुके हैं। जैसे तैसे 2 सालों में अब जिंदगी पूरी तरह से पटरी पर आई थी, बच्चों के स्कूल भी अब पूरी तरह से ऑफलाइन हो गए थे, लेकिन ये कोरोना बच्चों का पीछा करते हुए नोएडा और गाजियाबाद आधमका और कई बच्चों को संक्रमित कर गया। बताया तो जा रहा है कि 11 अप्रैल को नोएडा के सेक्टर 40 के खैतान पब्लिक स्कूल में एक साथ कोरोना के 16 मामले सामने आए, जिसमें से 13 बच्चे और 3 टीचर संक्रमित थे। इतने सारे मामलों को देखते हुए स्कूल मैनेजमेंट ने फिलहाल स्कूल को बंद कर दिया और स्कूल ऑनलाइन मोड पर चलाया है। नोएडा में कोरोना संक्रमण फिर से रफ्तार पकड़ने लगा है। गाजियाबाद में पिछले 24 घंटे के भीतर 2 स्कूलों में बच्चों में कोरोना का संक्रमण मिलना क्या खतरे की घंटी बजा रहा है। पहले इंदिरापुरम के सेंट फ्रांसिस स्कूल में 2 स्टूडेंट्स कोविड पॉजिटिव पाए गए। इनमें एक बच्ची ग्रेटर नोएडा वेस्ट की रहने वाली है। वहीं वैशाली के आर मंगलम स्कूल के 3 बच्चों में कोरोना का मामला पाया गया। इन दोनों स्कूलों को एहतियातन बंद कर दिया गया है। इससे पहले सेंट फ्रांसिस स्कूल में मामला आया था। क्या वाकई ये कोरोना बच्चों को अपनी चपेट में ले रहे हैं और क्या वाकई में हिंदुस्तान को अब संभल जाने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।